आपकी धर्मपत्नी जो वो हिंदू है रीनू शर्मा शायद, जहां तक मेरी नॉलेज है, तो क्या आपने लवजार नहीं किया? हमने लव किया, लव नहीं किया। फिर आप नहीं बता पाते हैं जो भी कुछ लव किया। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आप करें तो रासलीला और हम करें तो क्रिकेट ढीला। साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन 10 दिन भी ऐसे नहीं जाते हैं जब बीजेपी के नेता हिंदू मुसलमान की बात ना करें। ये जो मैंने पहले डायलॉग कहा है, आप करें तो रासलीला और हम करें तो क्रिकेट ढीला, ये क्यों कहा है ये भी बताएंगे। लेकिन बीजेपी के नेता साल में 10 दिन भी ऐसे नहीं होते हैं जब वो हिंदू मुसलमान की बात ना करें। और हिंदू मुसलमान का सबसे बड़ा सफूगा, लव जिहाद। लव जिहाद एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि लव जिहाद के ऊपर मध्य प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और हरियाणा की सरकार कानून बनाने जा रही है और इसको गैर जमानती अपराध बनाने की जो है वो बात कही जा रही है बीजेपी की सरकार की तरफ से। और अब बिहार में भी जो है, बिहार में भी इसकी चर्चा सुनाई दी जा रही है। लेकिन बिहार में क्या हालात हो रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शहनवाज हुसैन, बीजेपी के नेता प्रवक्ता राज्यसभा सांसद, उनको घेर लिया, और उनसे पूछा कि आप लव जिहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन शहनवाज हुसैन जी आप ये बताइए कि आपकी पत्नी भी तो हिंदू है। अब शहनवाज हुसैन फंस गए। लेकिन बीजेपी के नेताओं की वही बात, आप करें तो रासलीला और हम करें तो करैक्टर ढीला। बीजेपी के नेता करें तो रासलीला है और अगर और करें तो फिर उनका करैक्टर ढीला है। बीजेपी का नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि हम तो लव जिहाद नहीं कर रहे थे, हमने तो सिर्फ लव किया था। अगर बीजेपी के नेता करें तो लव है और अगर लोग करें तो लव जिहाद है। एक बार फिर से सुनिए आप किस तरह से शहनवाज हुसैन जो है वो फंस गए थे और उन्होंने कितनी मासूमियत के साथ में जो है वो जवाब दिया है। तो आपकी धर्मपत्नी जो वो हिंदू है रीनू शर्मा शायद, जहां तक मेरी नॉलेज है, तो क्या आपने लव जिहाद नहीं किया? हमने लव किया, जो भी लव किया। बीजेपी के नेताओं की ये लंबी फहरिस्त है जहां पर उन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है और हमने आपको कई बार ये बताया है, लेकिन जब मुद्दा गर्म है तो एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं। शहनवाज हुसैन से ही शुरुआत करते हैं। शहनवाज हुसैन ने हिंदू लड़की रेनू से शादी की और रेनू जो है वो कोई आम हिंदू परिवार से नहीं थी, बल्कि रेनू जो है वो मुरली मनोहर जोशी, बीजेपी के कद्दावर नेता रहे, उनके परिवार से रेनू है। और रेनू से जो है 9 साल तक शहनवाज हुसैन जो है उसका पीछा करते रहे और रेनू मना करती रही क्योंकि शहनवाज हुसैन जो है वो मुस्लिम थे। और उसके बावजूद जो है फिर उमा भारती ने किसी तरह से दोनों परिवारों को एकजुट करते हुए उनकी शादी कराई। ये शहनवाज हुसैन का मामला है। आप बताइए कि 9 साल तक क्या वो लव जिहाद कर रहे थे? क्या उसके ऊपर जो है प्रेशर डाल रहे थे? क्या कर रहे थे शहनवाज हुसैन? ये जवाब आज उनको देना चाहिए। आज वो कह रहे हैं कि लव कर रहे थे। वहीं पर मुख्तार अब्बास नकवी, की शादी भी बड़े बीजेपी के नेता हिंदू परिवार में हुई है। मुख्तार अब्बास नकवी की शादी अशोक सिंघल के परिवार में हुई है और इनकी पत्नी जो है सीमा, इनकी पत्नी है। और वहीं पर बीजेपी के एक और कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी के परिवार में इनकी पत्नी पारसी है, इनकी भाभी ईसाई है, दामाद मुसलमान है और इनकी बहनोई जो है, इनका बहनोई यहूदी है। यह है सुब्रमण्यम स्वामी की कहानी। वहीं पर बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी अब हटा दिए गए हैं और सुशील मोदी की शादी भी जो है वो ईसाई परिवार में हुई है और इनकी पत्नी का नाम है जेसिस जॉर्ज। ये है बीजेपी के नेताओं की कहानी। ये खुद करें तो ये रासलीला है, लेकिन अगर लोग करें, जनता करें, तो फिर करैक्टर ढीला है, उनके लिए लव जिहाद हो जाएगा। ये करें तो लव है। ये है बीजेपी के नेताओं की असली हकीकत। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह, भी अब पैरवी कर रहे हैं कि बिहार के अंदर भी लव जिहाद जैसा कानून आना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने उनको करारा जवाब दिया है। ये भी सुनिए। बोले गिरिराज, बिहार को भी लव जिहाद पर काम करने की जरूरत? बघेल का सवाल। बीजेपी नेताओं के परिजन ने भी गैर धर्म में की शादियां, वे भी ऐसा जिहाद है। ये जो है भूपेश बघेल ने सवाल पूछा है कि बीजेपी में भी ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने ऐसे गैर धर्मों में जो है वो शादी की है, तो क्या वो भी लव जिहाद है? ये इन्होंने कहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भाजपा के सामने बड़ा सवाल उठाया है। शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई परिवार के सदस्यों ने गैर धर्म में शादी रचाई है। मैं भाजपा के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या वे शादियां भी लव जिहाद की परिभाषा के अंतर्गत आती है?
अशोक गहलोत ने, अशोक गहलोत ने भी एक के बाद एक तीन ट्वीट किए और अशोक गहलोत ने भी लव जिहाद के ऊपर जो है वो विस्तार से लिखा है। अशोक गहलोत ने लव जिहाद पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, लव जिहाद भाजपा द्वारा देश को विभाजित करने, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए बनाया गया एक शब्द है। विवाह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, उस पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। यह कानून किसी भी अदालत में नहीं टिकेगा। प्यार में जिहाद की कोई जगह नहीं है। अशोक गहलोत ने पूरी तरह से अलग कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है कि प्यार में जिहाद नाम की कोई जगह नहीं होती है। प्यार में तो सिर्फ प्यार होता है। अगर हिंदू करे तो भी प्यार है, अगर मुसलमान करे तो भी प्यार है, अगर कोई सिख करे, ईसाई करे तो भी प्यार है, और अगर एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति से प्यार करे तो भी प्यार है। प्यार में कभी कोई जिहाद हो ही नहीं सकता है। वहीं पर एक और ट्वीट इन्होंने कहा है, एक और ट्वीट में इन्होंने कहा कि वे देश में ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां वयस्क सहमति के लिए राज्य की सत्ता की दया पर निर्भर होगा। विवाह एक व्यक्तिगत निर्णय है, वे इस पर अंकुश लगा रहे हैं, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने जैसा है। दूसरा ट्वीट उन्होंने किया। वहीं पर तीसरा ट्वीट है इनका लव जिहाद पर। तीसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने और सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा देने और संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना करने वाला है। राज्य नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता है। लेकिन क्यों बीजेपी सरकार जो है वो लोगों के अंदर, नागरिकों के अंदर जो है वो भेदभाव जो है वो पैदा करना चाहती है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। वहीं पर गिरिराज सिंह ने जो है लव जिहाद को लेकर के बिहार में चर्चा छेड़ दी है। लेकिन बिहार में गिरिराज सिंह का क्या हाल हुआ है, किस तरह से नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं ने ही जो है उनसे अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, ये भी आप देखिए। उत्कर्ष सिंह ने ट्वीट किया है और उत्कर्ष सिंह ने लिखा है, बीजेपी के गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में लव जिहाद के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। जेडीयू के वरिष्ठ नेता नारायण ने कहा कि हम लोग ऐसे बयानों को तवज्जो नहीं देते, ये कोई बहस का विषय नहीं है। जेडीयू के नेता है, नीतीश कुमार के नेता है, वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह जैसे लोगों को हम तवज्जो नहीं देते हैं, ये कोई बहस का विषय नहीं है। बिहार, पंकज झा ने भी एक ट्वीट किया है, बिहार में प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जब घुसपैठियों को बाहर भेजने की बात कही तो नीतीश कुमार ने कड़ा विरोध किया था। अब गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बिहार में लव जिहाद के लिए कानून बनाना चाहिए, तो नीतीश बाबू अब क्या करेंगे। ये वाकई नीतीश बाबू को लेकर भी अग्नि परीक्षा होगी कि नीतीश जो है वो अपना सांप्रदायिक चेहरा दिखाते हैं या नीतीश जो है इस कानून का विरोध करते हैं। ये तो सवाल जो है वो नीतीश कुमार से भी पूछा जाएगा। अगर नीतीश कुमार वहां पर बिहार के अंदर इस कानून को बनाने के लिए अनुमति देते हैं तो फिर नीतीश में भी जो है उनकी अंतरात्मा मर चुकी है, ये मान लिया जाए, क्योंकि इसी अंतरात्मा की बात जो है वो, इसी अंतरात्मा की दुहाई जो है वो नीतीश कुमार बार बार देते थे। लेकिन मुद्दा बिल्कुल साफ है कि देश में बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर काम करने की जरूरत है, और लव जिहाद की अगर बात हो रही है, जबरदस्ती शादी करने की रोकने की अगर बात हो रही है, तो आप बताइए कि क्या बिहार यूपी में आए दिन ऐसी खबरें नहीं आती है जहां पर जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो नौकरी लगे हुए हैं, सरकारी नौकरी लगे हुए हैं, उनको जबरदस्ती अगवा करके ताकि दहेज के पैसे बच जाए उनकी क्या शादियां करवाने की खबरें हमने नहीं देखी है, पढ़ी है क्या आपने? हरियाणा और राजस्थान से खापों की खबरें आपने नहीं पढ़ी है या ओनर किलिंग की खबरें आपने नहीं पढ़ी है, जहां पर अगर जाट ब्राह्मण की कोई लड़की जो है वो दलित परिवार में शादी कर ले तो उसको मार दिया जाता है, कैसी खबरें हमने नहीं पढ़ी है? क्या वो जबरदस्ती विवाह को रोकने वाली बात नहीं है और जबरदस्ती विवाह करने वाली बात नहीं है? और ये जो है लव जिहाद, अगर कोई मुसलमान करे तो फिर लव जिहाद हो जाता है। ये पूरी तरह से साफ हो जाता है कि बीजेपी का असली मकसद किसी को न्याय दिलाना नहीं बल्कि अपनी रोटियां सेकना है, अपने आप को मुद्दों से बचाना है, जनता जब सवाल पूछ रही है तो उनके सवालों को भटकाना है, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लव जिहाद के मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।